बकरी भैंस गाय तो उसको पहले से ही देख रहे हैं कि बाढ़ आएगी तो उसका व्यवस्था पहले से ही बांध वगैरह जहाँ ऊंचा है उसको पहले से ही भेज दीजिए ठीक। और घर में जैसे तिरपाल होता है प्लास्टिक का बड़ा बड़ा पॉलिथीन वगैरह होता है जिनकी उसको रखिए और अस्थाई तंबू बनाने वाला जो बांस वगैरह होता है उधर देखो बांस वगैरह होता है ना तंबू बनाने वाला अस्थाई घर तो उसको भी कुछ आप रखिए। मान लीजिए आपका अगर मिट्टी का घर बाढ़ वाला क्षेत्र में मिट्टी का घर नहीं बनाना चाहिए गरीब है लोग बनाता है बाढ़ से आदमी काफी त्राही मान रहते हैं गरीबी चलते हैं तो कभी गिर भी सकता है ना तो आकाश खुला रहेगा हम कैसे रहेंगे उसके पहले हम तंबू का व्यवस्था कर लें ताकि देखेंगे कि भयानक बाढ़ आ रही है घर मेरा गिरेगा तो उसको लेकर के हम ऊंचाई पर जा सकते हैं और अस्थाई घर का व्यवस्था भी कर लें तिरपाल रख लें रख सकते हैं ना yes, और इस तरह से हम खुद तैयारी कर सकते हैं और आपदा से बच सकते हैं ना yes, बाढ़ से बच सकते हैं ठीक है चलिए।